देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में बेखौफ बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो चले हैं कि कार में सवार तीन बदमाशों ने बाइक पर सवार तीन राहगीरों की गोली मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक देखते हुए दोनों घायलों को मेरठ अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। यह हादसा उस वक्त का है जब तीन युवा बाइक पर सवार होकर रात में ही शादी समारोह में कुछ बच्चा सामान लेने के लिए घर से बाजार के लिए निकले थे कि इसी दौरान सुनसान इलाके में कार में सवार तीन बदमाशों ने इनकी बाइक रुकवाकर रामपुर गांव का एड्रेस पूछना चाहा। तीनों राहगीरों ने कहा कि इस इलाके में रामपुर कोई गांव नहीं है। इसी बात को लेकर एक बदमाश ने 9M माउजर से तीनों पर तीन फायर झोंक कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बुराकी सिंह नाम ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि महावीर सिंह फिरोजी जिला अस्पताल में भर्ती है। सरकारी चिकित्सक के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक देखते हुए दोनों को मेरठ अस्पताल में रेफर करके कवायद चल रही है। हादसे के बाद घायल बेहद सदमे में नजर आ रहे हैं। यह हादसा बिजनौर जिले के नगीना थाने के मुकुंदपुर राजमल इलाके में हुआ। बड़ा से तीन पेशेंट आए हैं जिनको तीनों को गोली लगी हुई है। एक तो रोड डेड आया है जिसकी कमर के पीछे गोली लगी हुई है बाएं साइड के। दो जो है, एक फिरोजी नाम का है और एक महावीर नाम का है। दोनों के बाएं पैर के कुल्ले के पास गोली लगी है और दोनों गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती किए गए हैं जिनको अभी रेफर किया है। सर, क्या कुछ पता चल पाया कि किस वजह से इन्हें गोली मारी गई? अभी नहीं है, इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर तीनों कहीं जा रहे थे। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।